हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। आज मैं आपको तिल के लैया के लड्डू और चिक्की की रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये 1 kg तिल ले लिया है, मिक्स लिया है, वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स करके इसको भून लिया है अच्छे से साफ़ करके। और इसको मैंने 2 पार्ट में भूना है, आधा आधा किलो करके। भूनने के बाद इसे हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये लड्डू वाला गुड़ ले लिया है, इसको हम एक कढ़ाई में डाल के पूरा मेल्ट कर लेंगे और कम से कम 7 से 8 तार की चाशनी बना लेंगे। चाशनी बन जाने के बाद में जो हमने तिल रखा था ठंडा होने के लिए, उसे हम एक बड़ी परात में डाल लेंगे और उसको फैला देंगे। फिर जो गुड़ हमने ठंडा की बनाया हुआ था चाशनी वाला, उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। गुड़ डालने के बाद में ये जो पूरा मटेरियल है, इसे हम स्पैचुला की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसका लड्डू बना लेंगे राउंड राउंड, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसेस में। बहुत हल्के हाथ से राउंड राउंड करना है, इन्हें ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएंगे। और ठंडा होने तक इन्हें रख देंगे किसी प्लेट में, तक जब तक ये सेट नहीं हो जाते। ये देख सकते हैं आप, लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा बड़ा। मैंने सेब के लड्डू भी बनाए थे पर उसकी वीडियो किसी कारण नहीं बना पाई हूँ, तो ये वीडियो ड्यू रहा नेक्स्ट टाइम के लिए। इसी के साथ मैं लाई के भी लड्डू बना रही हूँ, तो जो गुड़ हमने पिघलाया हुआ है उसी में हम लाई के भी लड्डू बना लेंगे। लाई के लड्डू बनाने के लिए सेम जैसे हमने तिल को भूना है, उसी तरीके से हम लाई को भी अच्छे से साफ कढ़ैया में भून लेंगे, कुरकुरी कर लेंगे एकदम। उसके बाद उसे भी ठंडा कर लेंगे और एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और उस पर हम जो हमारा गुड़ का मिक्सचर है उसे हम उसमें डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। और फिर सेम अपने हिसाब से जो भी साइज़ आपको परफेक्ट लगता है उस हिसाब से उसके लड्डू बना लेंगे। तो ये दोनों लड्डू बहुत ही आसान है, आप घर पे बनाइए, बाज़ार के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है सिर्फ गुड़ को पिघलाने में और चाशनी बनाने में, तो बस उसी में ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ये देखिए बहुत अच्छे लगते हैं कुरकुरे कुरकुरे खाने में। तो अब बना लेते हैं चिक्की। चिक्की बनाने के लिए 1/2 किलो मूंगफली मैंने ले लिया है और इसको अच्छे से कढ़ाई में भून लेंगे। भून लेने के बाद सबसे पहले मूंगफली को हम ठंडा कर लेंगे। जब तक मूंगफली ठंडी हो रही है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने अपना गुड़ बनाया था उसी में हम चीनी डाल देंगे और उसको पानी मिला के चाशनी बनाएंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम अपनी जो मूंगफली है उसका छिलका हटा देंगे। इधर हमारी चाशनी बॉईल हो रही है, इसमें भी कम से कम 5-6 तार बन जाएं तो बहुत अच्छी आपकी चिक्की बन के तैयार होगी। तो मीनवाइल हम अपनी मूंगफली को साफ कर लेंगे, छिलके हटा लेंगे उसके। तो अगर आपके पास इस तरीके का सूप होगा तो उससे भी कर सकते हैं और नहीं तो थाली में डाल के भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब ये जो हमने मूंगफली ली है ये बर्तन में निकाल लेंगे साफ मूंगफली, और इसको पूरा का पूरा चाशनी में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमें ठंडा नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको फटाफट से किसी थाली में या परात में इसको निकाल लेंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसको हम अच्छे से एक शेप दे देंगे। तो ये मैंने ये थाली में देखिए निकाल लिया है इसको, और इसको प्रेस करके थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना मोटा आप चाहें। इस तरीके से इसको पुश कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी, और जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती इसे हमें कुछ नहीं करना है। तो अभी ये मैं दूसरी चाशनी बनाने जा रही हूँ, थोड़ी कम पड़ गई थी दूसरे बैच के लिए, तो इसमें भी मैं चीनी डाल के इसकी भी चाशनी बना लेंगे और जो साफ़ की हुई हमारी मूंगफली है वो इसमें डाल के
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, एकदम सेट हो गई है, बहुत अच्छी बन गई है। देखिए इस तरीके से हम तार चेक करते हैं। सारी मूंगफली डाल दी और इसको भी मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही मिक्स हो जाएगा ठंडा होने के पहले ही इसको फटाक से हमें प्लेट में निकाल लेना है और उसे सेट कर देना है। ये सब करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। और इस तरीके से दूसरा बैच भी हमने अपना सेट कर लिया। और ये देखिए हमारी चिक्की बिल्कुल रेडी है, बन के तैयार है। अगर आपको चाहिए तो आप चीनी के बिना भी बना सकते हैं, आप सिर्फ गुड़ में इसको मिक्स करके गुड़ की पट्टी भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया रेडी हो गया, एकदम घर का बना हुआ टेस्टी। तो आप बताइए मेरा वीडियो आपको कैसे लग रहा है, और अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी और तो प्लीज़ थम्सअप करिए।